अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड चिकन पेटीज़। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमें 1 कप दूध लेना है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून के बराबर ग्रीन चिली का पेस्ट करना है। आप चाहें तो उसे विनेगर के साथ ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैंने हाथ से पीस लिया है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने नमक लिया है, आप नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून विनेगर लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, मैंने 1 कप के बराबर श्रेडेड चिकन लिया है। तो ये सब चीज़ें चाहिए हमें ब्रेड चिकन पेटीज़ बनाने के लिए। ब्रेड चिकन पेटीज़ बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप इसे शाम की चाय के साथ या कोई मेहमान आए तो सर्व कर सकते हैं। पेटीज़ के बैटर बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करा। अब ऑयल में मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर दिया। प्याज को कलर चेंज होने तक मैं पकाऊंगी। देखें, प्याज ने अच्छे से कलर चेंज कर दिया है। अब इस स्टेज में मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूंगी। ये देखें, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करा। अब इस स्टेज में मैं 1 कप दूध लेकर उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करूंगी और इसको अच्छे से मिला लूंगी। अब हम दूध को शामिल कर देंगे। अब दूध में मैंने काली मिर्च पाउडर को शामिल करना है। ये देखें, हमने काली मिर्च पाउडर शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखें, परफेक्ट। ये देखें, मैं सिरका शामिल कर रही हूँ। अब हम इसमें सोया सॉस शामिल कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी जो मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, ये इसमें शामिल कर दिया। देखें, और फाइनली नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। अब देखें, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें, अब इस स्टेज पे हम चिकन शामिल कर देंगे। देखिए, चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये इसका सारा पानी हमने खुशक कर लेना है। अभी पूरे तरीके से पानी खुशक नहीं हुआ, जब ये पूरे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो उसको हमने ठंडा करने रख देना है। ये देखिए, बैटर हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये रेडी है। अब ब्रेड को आप किसी भी कटर की मदद से गोल शेप में काट लें। अगर आप गोल शेप में नहीं काटना चाहते तो आप चकोर शेप में भी काट सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। अब पेटीज तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं और ब्रेड क्रम्स लिए, और हम ये जो ब्रेड हमने काट ली थी वो लेकर इसमें हम बैटर लगा देंगे। देखिए, बैटर लग गया है। अब मैं उसको ऊपर से कवर करूंगी और हल्का सा प्रेस कर दूंगी। अब देखिए, पेटीज को हम अंडे में डिप करेंगे। अब इसमें अच्छे से हर तरफ से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह। देखें, ये सारे ब्रेड चिकन पेटीज को मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी।
सारे ब्रेड चिकन पेटीज़ को मैं रेडी कर दूँगी और फिर ये फ्राई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। देखिए हम अपने ब्रेड चिकन पेटीज़ को ऑयल गरम ऑयल में ऐड कर देंगे। आंच हमने लो ही रखनी है। ब्रेड चिकन पेटीज बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए आपने इनको ओवर कुक नहीं करना, बल्कि हल्का गोल्डन कलर आने पर आपने उतार लेना है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, ये ब्रेड चिकन पेटीज बिल्कुल रेडी हैं।